जितने लोग खोसी कला के लोग यहाँ पर मैच देख रहे हैं, रोशन भाई हमारे आने वाले प्रधान प्रत्याशी रहेंगे, आप अपना आशीर्वाद अपने भाई पे बनाइएगा। बिल्कुल राजनीति नहीं भाई, हमें तो ये नहीं, बिल्कुल राजनीति सिर्फ सेवानी हम तो करेंगे। केवल कुछ सेकंड बाकी आपके पास जी भाई, कृपया आप करके स्टेज खाली कर दें, हमारे मेहमान कुछ समय में आपके बीच में आ गए। स्टेज दिल्लू भाई नेताजी, दिल्लू भाई का स्वागत हमारे साथ। बाबा बेलपन्नाथ धाम, आप अपना वर्क करते रहिए भैया। दिल्लू भाई नेताजी, नवेश पांडे जी से मिलते हमारे छोटे नेताजी। हमारे बीच में आ सकी है, बिल्कुल बिल्कुल कवर दीजिए उड़िया टीम को। चलिए इस मैच का, इस पूरे कबड्डी आयोजन का ये दूसरा वो कवर, ये इतनी उसके बाद जो मैच खेला जाएगा शेर सर नाम लखनऊ दस मैच खेला जाएगा किया जाएगा के बाद जो मैच खेला जाएगा सोसर बनाम लखनऊ, हमारे आयोजन के स्पॉन्सर टुनटुन लग्जरी ढाबा, टुनटुन लग्जरी ढाबा इश्तियाक भाई, भाई इश्तियाक भाई रेडी टुनटुन भाई देवन भाई, इस बंदे को भी अपने गाने कैश में कुछ कर नहीं तो ये बंदा भी वहीं से लौट रहा है भाई, लेकिन आप लोग उसे हिमांशु एक और रेड के लिए इस समय गए हैं, एक नंबर की जर्सी में लखनऊ टीम के रेडर हैं ये, कोशिश करते हुए छह खिलाड़ी मौजूद हैं तो बोनस भी आन है लेकिन अटेम्प्ट नहीं किया जा रहा यहाँ पर बोनस का टोटल की कोशिश, लेकिन शिवू ने अपने आप को बचाया। एक और अटैक यहाँ पर लेकिन अभी तक रेडम दी गई है, कोशिश करता हुआ रेडम लेके रेडम
बड़े सनाए हुए शोकर के लिए बिल्कुल शुभकामनाएं। एक मिनट हमारे बीच में एक और मेहमान ब्लॉक प्रमुख बाबा बलखंडा धाम कमलाकांत यादव तशरीफ ला चुके हैं। आप एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बाबा बलखंडा धाम ब्लॉक प्रमुख कमलाकांत यादव दाईं ओर तशरीफ लाते हुए इधर सद्दाम अपना जलवा दिखाते हुए निश्चित तौर पर भाई उनका लालेश भैया उनका माला बनाकर उनका स्वागत करें। अभी तक एक जबरदस्त यूनिट के तौर पर खेल खेली है शीर्षक की टीम ने। रेडर कोशिश करता हुआ रिवाइव किया जाए कुछ खिलाड़ी को। अभी तीन एक खिलाड़ी बचे हालांकि दीपू जा रहे हैं। पहले रेड पर उन्हें एक टच पॉइंट मिला था। तीन खिलाड़ी है अनिशु पटेकर भी जान है। एक मौका है यहां से दो पॉइंट अर्जित करने के लिए। क्या टैकल करके दो पॉइंट अर्जित करेगी टीम लखनऊ। हमारे बीच यूपी योद्धा के स्टार आस्तु भी आ गए हैं। आस्तु नागर जो कि यूपी योद्धा के लिए खेलते हैं प्रो कबड्डी में वो हमारे सामने हमारी गाड़ी से आ रहे हैं और मैं इसके बाद उनको मुकाबला है। रास्ता पहले क्लियर करवाओ यार। पहुंच रहे हैं लेकिन इस समय मुकाबला लखनऊ बनाम प्रतापगढ़ का हो रहा है। हेलो मुश्किल वक्त है यहाँ पर लखनऊ के लिए। ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ अगर रिवाइव नहीं किया गया खिलाड़ी तो मैं कमेटी मेंबर से अनुरोध करता हूँ ये पूरा रास्ता खाली कराइए। ये पूरा रास्ता खाली करा दीजिए। हालांकि सद्दाम के अंदर ये क्षमता है कि वो तीनों खिलाड़ी को आपके बीच में हमें कुछ समय पर आप गेट खाली कर दीजिए प्रतापगढ़ वालों। ऑल आउट हुए इस तरह बिल्कुल शुरुआत में ही पांच पॉइंट का इशारा आता हुआ शीर्षक के लिए। तो क्या लखनऊ के लिए जोशी ने पलटवार कर पाएंगे कोशिश करते हुए लेकिन अभी तक नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि बादल का साथ धाम के ब्लॉक पर तो नरेश पांडे भैया माला बनावर का स्वागत करो। तकी भाई अगर हमारे बीच में तो आप उनका भी माला बनाकर स्वागत करें। आप तकी भाई आपके बीच में आ चुके हैं अरे आ जाइए प्लीज। हाफ टाइम के पहले की अंतिम रेड माला बनाकर स्वागत करते हुए नरेश पांडे भैया कटी भाई का। अगर सूर्य बचारी है कैप्टन हमारे बीच में हमसे संपर्क करें। 13 ओवर को ये है पॉइंट हाफ टाइम तक। तो हाफ टाइम का प्लेड हुआ है मिस्टर सूर्य भाई गाइस पर जाते हुए साहिब भाई को नमस्कार। मैंने उसको भी देखा आपका स्कोर है दोनों टीमों का शीर्षक यह है 13 जबकि मात्र 2 पॉइंट है लखनऊ के पास। जबरदस्त खेल का मुशारा इस समय पेश करती हुई शीर्षक की टीम सत्ता के मलबूते पर। इधर रेडर लखनऊ हालांकि रेडे अंकी गई है। दीपू इस समय खेल का जिम्मा निभाते हुए राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर पर से राइट की ओर पांच खिलाड़ी चूंकि बोनस ऑन है नहीं यहाँ पर टच पॉइंट खिलाना होगा। हालांकि रनिंग है टच किया है उन्होंने राइट कॉर्नर पर और एक पॉइंट ऑन मिलता हुआ। सेकंड हाफ का खेल इस समय चल रहा है लगभग वन साइडेड मुकाबला होता चला जा रहा है। ये लखनऊ काफी पीछे है मात्र 2 पॉइंट है जबकि 14 पॉइंट है अभी शीर्षक के पास। 12 पॉइंट की मजबूत लीड है। सेकंड हाफ का खेल इसमें चल रहा है। रेडर कोशिश करता हुआ लखनऊ का कि पॉइंट लाया जाए लेकिन डिफेंस कतई इजाजत नहीं दे रहा है कि पॉइंट मिले हुए। फिलहाल रेडर सचिन शूसर इस समय रेड करते हुए राइट कॉर्नर पर चार खिलाड़ी कोर्ट पर दो दो की चैन में किक लगाई लेकिन कामयाब नहीं हो गए। टाइम आउट किया गया है। हैंड टच की कोशिश लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। दूसरा अटैम्प्ट बहुत ही सुंदर एंकल होल्ड राइट कॉर्नर पर खड़े अखंड के द्वारा। तीन खिलाड़ी सुपर टैकल ऑन इधर रेडल
क्या यहाँ पर सुपर टैकल किया जाएगा लखनऊ की तरफ से, यहाँ पूरी कोशिश की गई लेकिन अपने आप को बचा लेकर ले और सारे खिलाड़ी सेल्फ आउट हुआ। तो इस तरीके से दो पॉइंट मिलता हुआ एक बार फिर से ऑल आउट के पहाने पर खड़ी यहाँ पर लखनऊ की टीम। निश्चित तौर से एक बहुत ही जबरदस्त खेल का मुजाहरा पेश किया है शीर्षक की टीम सत्ता की अगुवाई में आई और यहाँ पर पॉइंट लूज करता हुआ राइट कॉर्नर चूक गए। हालांकि हाथ एक बार वो डालने की सोचा फिर सोचा के छोड़ो जाने दो और इधर सचिन ने राइट कॉर्नर पर शिकार किया एक बार फिर से ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ लखनऊ के ऊपर। लखनऊ की टीम ऑल आउट हो जाएगी या ये जो रेगर आया है टच पॉइंट ला करके अपने कुछ खिलाड़ी को रिवाइव कराएगा फिलहाल ये समय बताएगा। राइट कॉर्नर पर फिर से वही गलती करते हुए अखंड इसके पहले जो गलती किए थे वही गलती दोहराते हुए समय रेड पर दोनों खिलाड़ी हैं अपने आप को स्कैन करते हुए बचाया इधर रेडर वही पिछले रेडर हैं हालांकि पिछली बार उन्होंने रेड में पॉइंट लाए थे और एक खिलाड़ी को रिवाइव कराया था क्या दूसरी बार को कारनामा अंजाम देंगे उस कारनामे को या फिर टैकल किया जाएगा। पूरी कोशिश करता हुआ रेडर लेकिन अभी तक पॉइंट नहीं मिल पाया है रेडर आउट क्योंकि 30 सेकंड से ज्यादा समय ले लिया था। इस तरीके से ऑल आउट वी वन प्लस टू का इच्छा आता हुआ मात्र 2 मिनट का खेल बचा हुआ है क्या इस 2 मिनट में लखनऊ की टीम वापसी करेगी। हालांकि बोनस का अटैम्प्ट किया है और स्वीकार भी किया गया है यहाँ पर रेफरी के द्वारा जी हाँ बोनस पॉइंट मिलता हुआ यहाँ पर शुरू सकते और इधर रेडर लखनऊ रेड करते हुए हालांकि बहुत पीछे रह गई है लखनऊ की टीम शीर्षक के सामने न केवल रेड में बल्कि डिफेंस में बहुत अच्छा कार्य किया है आज 23-4 का स्कोर बहुत बड़ा फासला है ये। इधर रेडर मेरी कमेटी के जो भी बाउंसर हैं सबसे निवेदन है कि सारे स्टार खिलाड़ियों को पूरी सिक्योरिटी के साथ मैदान के अंदर लाएं, मैदान से बाहर ले जाएं। मंदीप कार्तिकेय पंकज अन्ना रवि सबसे निवेदन है एक एक खिलाड़ी को आप सुरक्षित लाएंगे सुरक्षित उनको दोबारा कमरे में तक पहुंचाएंगे और बीच में कोई फोटो नहीं कोई सेल्फी नहीं कोई इंट्रोडक्शन नहीं। इधर रेडर लगता मैं पूरी कोशिश करते हुए चुकी काफी पीछे छूट गई है यहाँ से पलटवार करवाना मुमकिन क्योंकि समय नहीं कतई इजाजत नहीं दे रहा है। टाइम कीपर कहाँ गए एक रेड करने का मौका रहेगा इस रेड के बाद और ये इस मैच की लास्ट लखनऊ की तरफ से लास्ट हम आपको बताते चले कि इसके बाद जो मैच खेला जाएगा हाई वेंटेज मुकाबला आशियान नागर यूपी नेता के जबाज प्लेयर आपके बीच में होंगे 25-4 का स्कोर और 25-5 के स्कोर से